तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, फर्स्ट क्लास हैं। तो 20 जनवरी के सूरज के मुताबिक शुएब मलिक और सना जावेद की शादी हो चुकी है, और बहुत बहुत मुबारक हो शुएब मलिक भाई। क्या बात है आपकी, क्या बात है। यहाँ पर 25 साल के लड़के ब्रेकअप होने के बाद भाई या तो वो जिम चले जाते हैं या तो वो नशों में लग जाते हैं, दुनिया से बर्बाद हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे शुएब भाई या उस तरह के जितने भी लोग, अभी कुछ कुछ रिसेंटली सुहेल खान ने भी शादी की, यहाँ पे 40-50 साल की उम्र में दूसरी तीसरी शादियां हो रही हैं और वो इतने खुश हैं। और ये 25 साल के लड़कों को सीखो यार, कुछ सीखो। खैर, तो एनीवेज जो चीज़ मैंने इससे सीखी या जो चीज़ हमें इससे सीखना चाहिए कि यार अब आपकी शादी नहीं चल रही, वट एवर इट इज़, तो वो इट्स योर कम्प्लीटली पर्सनल मैटर। उसको एक पब्लिक मैटर नहीं बना देना चाहिए, क्यों नहीं चली, क्या नहीं चली, भाई वो उन दोनों की मर्ज़ी। और कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पर 6 महीने के रिलेशन में जो ब्रेकअप्स हो जाते हैं उसके बाद, तू ऐसी तो तू ऐसा तो फलाना तो ढिंगना तो ये तो वो, लड़की लड़के को ब्लेम कर रही है, लड़का लड़के को ब्लेम कर रहा है। मैंने वो मायरा खान की स्टेटमेंट सुनी थी उनके फर्स्ट हस्बैंड के साथ, के शी सेइंग दैट ही इज़ अ ग्रेट मैन। मतलब एक औरत की शादी टूट चुकी है और उसके बाद भी वो अपने पहले हस्बैंड को बोल रही है वो अच्छा आदमी है, बस हमारा साथ यहीं तक था। तो यार हम तमीज़ से भी बहुत सारे लोग अलग हो सकते हैं, जैसे शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा ने किया। दोनों अभी तक एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, आज तक, कल का मुझे पता नहीं, अभी तक फॉलो कर रहे हैं। और बस दैट्स हाउ इट इज़। तो कहने का मकसद ये है कि तमीज़ से भी अलग हुआ जा सकता है, ना कि उसको लड़ाई बनाई जाए और फिर ख़ानदानों की जंग करा दी जाए और फिर ताने लान तान गालम गलोच और फिर फड्डेबाजी, भाई नहीं बन रही, चलो भाई अल्लाह हाफिज़। ना कि ये कि मार पिट्टी स्टार्ट हो जाए और फिर फड्डे स्टार्ट हो जाए। इस तरह भी अलग हुआ जा सकता है कि आप तमीज़ से बैठ के डिसाइड कर लेंगे यार नहीं चल रहा है यार, बस ठीक है। ज़रूरी थोड़ी कि आपने उसको इतना बड़ा ड्रामा बनाना है उसके बाद आपने अलग होना है। तो जी शुएब भाई, बहुत बहुत मुबारक हो।